वेलकम टू मल्टीटेक कंप्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो किस किस प्रकार की इसमें कुंजी जो दी है उसकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ऐसी कुंजी जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है। कंट्रोल शिफ्ट आल और फोर्थ उपरोक्त सभी। जैसा कि हम शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस एस वगैरह दबाते हैं, शिफ्ट के साथ भी दबाते हैं, आल्ट के साथ एक को शट डाउन करने के लिए काम में लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट तीनों कॉम्बिनेशन कीज है जो दूसरी कीज के साथ प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सब क्वालिटी से संबंधित है, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड मॉनिटर। आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर जो अल्फाबेटिक कीज है ऊपर ऊपर की लाइन में क्यू डब्ल्यू ई आर टी इस तरह से की जमी हुई होती है। ऐसा नहीं है ए के बाद बी ए, बी के बाद सी या क्यू के बाद यू, ऐसा नहीं है क्यू के बाद यू। तो वह जो सिक्वेंस है उस सिक्वेंस को हम क्वालिटी सिक्वेंस बोलते हैं। तो आंसर है इसका कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर एंड सर्वर। तो प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और सर्वर कंप्यूटर सर्वर है, तो यहां पर हमारा आंसर है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर्स को शुरू या बंद या ऑन ऑफ करने वाले बटन को हम कहते हैं। स्पेशल पर्पज की, टॉगल की, फंक्शन की, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की हम पढ़ चुके हैं आज सिर्फ कंट्रोल आदि। फंक्शन की F1 से F12 होती है और स्पेशल कैरेक्टर कीज में डॉलर वगैरह के साइन, एट द रेट के साइन आते हैं। तो टॉगल कीज है जो ऑन ऑफ होती है, टॉगल कीज हमारी होती है जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, ये सब टॉगल कीज है। आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मानक कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी स्टार्ट मेनू के प्रदर्शन या डिस्प्ले हेतु प्रयोग में लाई जाती है, एस्केप की, विंडोज की, स्टार्ट की एंड फंक्शन की। तो आंसर है इसका विंडो की। कीबोर्ड में कंट्रोल और आल्ट के पास एक की होती है जिस पर विंडो का साइन बना होता है। माउस से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो माउस से क्लिक करने की बजाय हम कीबोर्ड के अंदर विंडोज की पे क्लिक करके भी स्टार्ट मेनू को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक कुंजी पटल का प्रकार नहीं है, वायरलेस कुंजी पटल, एग्रोनॉमिक कुंजी पटल, फ्लेक्सिबल कुंजी पटल और नॉर्टन कुंजी पटल। तो वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं, एग्रोनॉमिक भी होते हैं, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होते हैं, मगर नॉर्टन कीबोर्ड नहीं होता है। तो आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी होती है। कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन कीज होती है टोटल 12 कीज होती है F1 से लेकर F12, तो इसका आंसर है हमारे पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए विशेष कीबोर्ड डिजाइन जो कि कम जगह इस्तेमाल करते हुए पूर्ण रूप से कीबोर्ड का अनुभव करता है कहलाता है, पीडीए कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, पारंपरिक कीबोर्ड और लचीला कीबोर्ड। वायरलेस और पारंपरिक कीबोर्ड लगभग एक जैसे होते हैं, वायरलेस में वायर नहीं होता है। तो कहने का मतलब कम जगह घेरते हुए जो फोल्ड हो जाता हो कहीं भी लाले जा सकते हैं, वह कीबोर्ड है हमारा लचीला कीबोर्ड। आंसर है हमारा डी। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीबोर्ड में एरो वाली कुंजियों को कहा जाता है, नेविगेशन, फंक्शन, टॉगल एंड न्यूमेरिक कीज। नेविगेशन कीज आपने देखा होगा कीबोर्ड में चार की होती है जो अप, पेज अप, पेज डाउन एंड चारों की होती है, ऊपर नीचे बाएं दाएं ऐसे भी हम देख सकते हैं या लेफ्ट राइट या अप डाउन। तो कहने का मतलब उन कीज को हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं,
कीबोर्ड में F1 से F12 आदि के नाम से किन कुंजियों को जाना जाता है? एरो कीज, नेविगेशन कीज, फंक्शन कीज एंड फार्मूला कीज। F1 से लेकर F12 तक जो 12 कुंजियां हैं उसको हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर है सी, फंक्शन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटर करने वाला उपकरण नहीं है? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन एंड जॉयस्टिक। पहले भी क्वेश्चन आया है अलग रूप में, कीबोर्ड पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पियानो के जैसे संगीत बजाना ही कंप्यूटर में कॉमन कीबोर्ड का मूलभूत कार्य है। कीबोर्ड का जो कार्य है वह संगीत बजाना ही नहीं है, बल्कि हम सभी कार्य कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर 0 से 9 तक निर्दिष्ट कुंजियों को रिक्त स्थान कहा जाता है। 0 से 9 जो डिजिट हैं, इनको हम न्यूमेरिक डिजिट बोलते हैं, तो इन कीज का नाम भी कंप्यूटर में न्यूमेरिक कीज के नाम से ये जानी जाती है। आंसर इसका स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल कीज नहीं है? हमने टॉगल कीज पढ़ी थी, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड कंट्रोल, ये तीनों टॉगल कीज है, बंद चालू या ऑन ऑफ होती है, तो इसका आंसर है स्क्रॉल लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। ऐसी कुंजी जिसको अन्य नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक एंड है कंट्रोल कीज। हमने पढ़ा था कंट्रोल कीजे कॉम्बिनेशन कीजे, और कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों टॉगल कीजे ऑन ऑफ होती है, तो कहने का मतलब इसका आंसर है कंट्रोल कीज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? टॉगल कीज, स्पेशल कीज, कॉम्बिनेशन कीज एंड न्यूमेरिक कीज। शॉर्टकट के लिए जितनी भी कीजें, जैसे कंट्रोल एस दबाते हैं हम, आल्ट एफ फोर दबाते हैं हम, तो इन कीज को हमने पढ़ा था कि ये कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है, तो शॉर्टकट के लिए कॉम्बिनेशन कीज का मैक्सिमम प्रयोग होता है। हमने कीबोर्ड से संबंधित 50 क्वेश्चन पढ़े, मुझे लगता है आपने सीखा फंक्शन कीज कितनी होती है, न्यूमेरिक कीज कितनी होती है, कॉम्बिनेशन कीज कौन सी है एंड अल्फाबेटिकल कीज कौन सी है और टॉगल कीज कौन सी है। तो कीबोर्ड आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कीबोर्ड से संबंधित, मुझे आशा है आप आसानी से इन क्वेश्चनों के जरिए पटवारी एंड RSCIT के एग्जाम को बिल्कुल क्रैक ही नहीं बल्कि फोड़ पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब बढ़े और तो मैं
आप लोगों से मोटिवेट होऊंगा कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, और आप लोगों के द्वारा अगर मैं मोटिवेट होता हूं, मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक हो रही है, तो इसी तरह मैं